हुआ था और पता नहीं अचानक से धक्का आया और मेरा सर दीवार में बढ़ गया और खून निकलने लगा। पता नहीं सर क्या हुआ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गुरुकुल। कौन सी क्लास में? 10th। कोई किसी से कोई आपसे लड़ाई वड़ाई हुई थी या क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। टीचर ने कुछ? नहीं, टीचर था ही नहीं क्लास में। ऐसे कैसे लग गया आपके? मतलब अचानक से धक्का आ गया मेरे को। इसको पता ही नहीं। कौन सी स्कूल थी? गुरुकुल। नाम बताओ। यस। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 10th। मेरे पास स्कूल से फ़ोन आया कि आपके बच्चे के लग गई है, आप सक्सेना डॉक्टर के चले जाओ। वहाँ लेके गए, उन्होंने एक गार्ड के साथ, चौकीदार होता है ना, उसके साथ भेज दिया इसको। तो मेरे को वहाँ देखते, मैं स्कूल आया, मैंने कहा आपने किसी जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं भेजा, किसी टीचर को, टीचर के साथ भेजना चाहिए था आपको बच्चे को। तो मैडम बोलती है कि मतलब हमने चौकीदार थोड़ी, वो तो हमारा गार्ड है, क्यों बोलती है। मैंने कहा नहीं, आप जो भी टीचर हो उसको भेज दो। तो फिर वो अकड़ने लगे कि ना आपको करना जो कर लो। मैंने कहा स्कूल की लापरवाही, स्कूल की लापरवाही। इससे पहले भी इसके करीब 5 साल पहले टीचर ने डंडा मारा था, उसका इलाज कम से कम 3-4 साल चला है इसका, काफ़ी पैसा लगा इसके उस इलाज में भी। जब आपके अभी बेटे के लगी, हाँ, स्कूल टीचर, स्कूल के अंदर टीचर था या नहीं था? टीचर तो कोई थे ही नहीं, ये बोल रही कि कोई जेंट था ही नहीं उसमें। बाकी क्लास में क्या हुआ था वो तो मेरे को पता नहीं है। तो आप रिपोर्ट कराना है थाने? हाँ, मैं रिपोर्ट, वो मैडम मेरे से बोलती है आपको करना जो कर लो, बच्चे का भविष्य, रीति का शास्त्री, बच्चे का भविष्य खराब कर दूंगी मैं। कि 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ, उसका भविष्य खराब कर दूंगा अगर रिपोर्ट करोगे तो। गुरु ये रीति का मैडम ने ऐसे बात बोला? हाँ, उन्होंने, तभी तो हम यहाँ आए। मुकदमा दर्ज करा दिया हमने? हाँ, मुकदमा दर्ज करा दिया हमने। मेरा चिरंजीव।